मैं हूँ शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किचन काउंटरटॉप साफ करना, और वो भी बहुत ही इजी ट्रिक से, जिससे आप आसानी से ऑयल, डर्ट और जम्स भी साफ कर सकते हैं और बहुत ही इजीली। तो आइए हम देखते हैं किचन काउंटरटॉप साफ करना। आप देख सकते हैं कि खाना बनाने के बाद और थोड़ा सा मैंने अपना गैस स्टोव भी साफ किया, इसकी वजह से मेरा जो किचन काउंटर टॉप है वो थोड़ा सा मिसी दिख रहा है। तो अभी मैं आपको इसे अच्छी तरह से साफ करके दिखाती हूँ। तो साफ करने के लिए पहले हम गैस स्टोव को उठा के एक साइड में रख देंगे। इसके बाद हम एक डिशवाशर लेंगे, लिक्विड डिशवाशर, और इसे थोड़ा सा बाउल में डालेंगे, पानी में मिक्स कर देंगे और इस स्क्रब को अच्छे से भिगो लेंगे और इस स्क्रब की सहायता से हम साफ करना शुरू करेंगे। टाइल्स पे बहुत ऑयल डर्ट हो जाता है तो इसे साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इस स्क्रब से नहीं साफ कर रहे, मतलब ज़्यादा ऑयल है, तो आप इसे एल्युमिनियम के स्क्रब से भी साफ कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैंने लिक्विड डिशवाशर लगा दिया। अब मैं पानी से इसे धो लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हुए मैं धोऊंगी। और स्विच की तरफ मैं पानी नहीं गिराऊंगी, इसे सिर्फ मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि स्विच में पानी चला जाएगा तो मैं स्विच की तरफ सिर्फ पोंछ लूँगी। अभी हम नीचे ग्रेनाइट को भी अच्छी तरह से डिशवॉशर से साफ करेंगे, अच्छी तरह से कोनों में साफ करेंगे, क्योंकि ये इधर ही आके जम जाता है, रोटी आटा या फिर कुछ भी बनाते हैं तो आके किनारे पे लग जाता है, तो हमें किनारे पे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और इस स्क्रब से बहुत आसानी से निकल भी जाता है। तो अभी हम ये छोटा सा वाइपर यूज़ करेंगे और इससे हम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। ये जो छोटा वाला वाइपर होता है बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रेंड्स किचन के लिए, और किचन काउंटर टॉप को साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये ज़रूर रखिए, ये ज़्यादा का नहीं मिलता, सिर्फ 30 रुपीज़ में मैंने ये ख़रीदा था। आप देख सकते हैं इससे कितनी आसानी से साफ़ हो रहा है, एक्स्ट्रा पानी सारा निकल रहा है। मैंने सिंक साफ़ करने का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं सिंक साफ़ करने का वीडियो। अब इस वाइपर में थोड़ा सा विनेगर लूंगी। विनेगर एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है, इससे सारे जम्स चले जाते हैं, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये वाइट विनेगर मैंने लिया। अब हम इस वाइप से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। सिरके से बहुत अच्छी चमक आ जाती है टाइल्स और ग्रेनाइट में, लेकिन रोज़ नहीं पोंछना चाहिए, हफ्ते में आप एक दिन इस तरह से सिरके से साफ़ करेंगे तो ऑयल डर्ट भी चली जाएगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जम्स चले जाएंगे। सिरका बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है जम्स के लिए, तो बहुत ही यूज़फुल है हमारी किचन के लिए, न कि खाने में यूज़ करने के लिए बल्कि साफ़ करने के लिए भी बहुत ही अच्छा क्लीनिंग है एजेंट है ये सिरका हमारा। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करके एक बार देखिएगा।
आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। तो अगर आपको मेरा किचन काउंटर टॉप क्लीनिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।